नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ज्यादा दिन पुरानी बात है नहीं, 2020 लॉकडाउन लगा था, काफी लोग परेशान थे और जो काम सरकार को करना था वो काम सरकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बॉलीवुड का एक्टर जिनका नाम सोनू सूद है, वो एक मसीहा की तरह उभर के आए और सुपरमैन भी मतलब वो काम नहीं कर पाता जो कि सोनू सूद द मसीहा मैन ने करके दिखाया और लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। लेकिन अब समय का चक्र कुछ ऐसा घुमा है कि मसीहा मैन सोनू सूद अब टैक्स चोर बन चुके हैं और काफी सारे घोटालापंती, काफी सारी जो चीटिंग्स हैं, जो फ्रॉड हैं, वो निकल निकल के आ रहे हैं। पब्लिक फंडिंग, क्राउड फंडिंग जो की गई है 19 करोड़ के आसपास, जिसमें 1 करोड़ ही खर्च दिखाया गया, 200 से 250 करोड़ की कुछ इररेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं जो कि अलग अलग कंपनी, फ्रॉड कंपनी वगैरह बना के। अब देखिए, बॉलीवुड में सोनू सूद जो है वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं, वो एक हीरो के तौर पर नहीं देखे जाते और ना ही उनकी फिल्में 100 करोड़ 500 करोड़ करती हो, ना ही उनका कद शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक या फिर अमिताभ बच्चन की कद के वो एक्टर हैं जिनको हर फिल्म का करोड़ों रुपए मिलता हो। जैसे आमिर खान और सलमान खान के बारे में सुनने को मिलता है कि वो अपनी फिल्म का आधा प्रॉफिट रख लेते हैं, अगर फिल्म ने 500 करोड़ कमाया तो इनको सीधे सीधे 250 करोड़ मिल जाता है। लेकिन सोनू सूद इतने बड़े एक्टर नहीं जिन्हें इतनी सारी फीस मिले, तो इनके पास इतना पैसा कहां से है? इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि सोनू सूद जो है उन्होंने एक्चुअली में लोगों की मदद की है। हाँ ठीक है, उन्होंने काफी बार दिखावा करा है, काफी बार उन्होंने लोगों, किसी और लोगों के काम का क्रेडिट खुद लिया। जैसे कि सुरेश रैना को जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो जो लोकल पुलिस थी और जो सरकारी तंत्र था उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचा दी, लेकिन सोनू भैया अपना क्रेडिट लेने पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे ट्वीट वायरल हुए जहां पर मदद पहुंची ही नहीं लेकिन सोनू भैया ने पहले से ही क्रेडिट करके वाहवाही करके अपनी खुद की कॉलर ऊंची कर ली। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स बीच में वायरल हुए कि एक बंदे ने ट्वीट करा 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले और इतनी जल्दी टैंकर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में बेड अरेंज कर दिए, जबकि वो जो बंदा था वो तो पहले ही गुजर चुका था। अब जिस तरह से ये पोस्ट, जिस तरह से ये ट्वीट्स वायरल हुए उससे साबित हुआ है कि सोनू सूद मदद करते तो हैं लेकिन मदद का ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीट देते हैं। बट फिर भी मदद तो की आपने, 100 लोगों की मदद करने का ढिंढोरा पीटा लेकिन आपने कम से कम 10 लोगों की मदद एक्चुअल में की तो होगी। लॉकडाउन के तुरंत बाद बिहार के, यूपी के बहुत सारे मजदूर जो थे वो मुंबई में फंस चुके थे, उन्हें अपने गांव जाना था और ट्रेनें बंद हो चुकी थी। ऐसे में सोनू सूद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और मैंने जो मजदूर जो थे जिन्होंने की सोशल मीडिया पर अपने नंबर जरूरत हैं शेयर किए थे, मैंने उन नंबरों पर कॉल करके वेरीफाई करा तो उन मजदूरों ने बताया कि हाँ भैया, उनको सेफ्टी के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ, बगैर एक पैसा इन लोगों से लिए अपने अपने घर सोनू भैया ने पहुंचा दिया। अब जरा हम आज के हालात पर बात कर लेते तो सोनू सूद को भैया, जैसे कि मैंने कहा कि कोई बहुत बड़े एक्टर है नहीं, ना ही उनको हर फिल्म का 200-300 करोड़ मिलता, तो सोनू सूद के पास इतना पैसा कहां से है? देखिए भैया, सोनू सूद के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। उन्होंने क्राउड फंडिंग की, उन्हें सेलिब्रिटीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, बड़े बड़े लोगों ने डोनेशन दिया, जिस डोनेशन के थ्रू और जो सरकारी मदद जो मिली थी। अब सोनू सूद के घर में कोई रेलवे स्टेशन या सोनू सूद के घर में कोई एयरपोर्ट तो है नहीं जहां से वो हवाई जहाज और ट्रेनें भेजते हो, तो सोनू सूद को पूरी तरह से मदद मिली है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे परमिशंस का, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए परमिशंस की जरूरत पड़ती थी, पासेस की जरूरत पड़ती थी और संक्रमण ना फैले इसका भी बहुत ज्यादा डर रहता था। तो ऐसे में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे अलग अलग स्टेट के, बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली और बंगाल, कर्नाटका, केरला, हर जगह पूरे इंडिया में सोनू सूद ने लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, लोगों की मदद की। इन शॉर्ट, सोनू सूद की हर स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवेज ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सब ने सोनू सूद की मदद की। और सोनू सूद के घर में कोई पैसे का पेड़ तो लगा नहीं था कि पैसे के चार वो तोड़ लिए नोट और खर्च कर दिए, सोनू सूद ने डोनेशंस ली। अब उन डोनेशंस का हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। विडंबना देखिए कि हमारे देश में पीएम केयर फंड का तो हिसाब किताब मांगा जाता है लेकिन सोनू सूद के पास कहां से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब यह नहीं है कि पीएम केयर फंड या फिर बीजेपी दूध की धुली है। अब यहां मैंने पीएम केयर फंड की बात की तो लोग कहेंगे भाई डीएसके तुम तो मोदी भक्त हो, तुम तो बीजेपी भक्त हो, तुमको बीजेपी में कोई कमी नहीं दिखती। तो उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो का ये जो हिस्सा है जरा ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी एक ऐसी मशीन बन चुकी है जहां पर कोई भी करप्ट इंसान किसी भी पार्टी का आए, चाहे वो मुंबई से नारायण राणे और कृपा शंकर सिंह जो कि कांग्रेस में थे और काफी ज्यादा करप्शन के आरोप लगे थे, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, एकदम क्लीन चिट पा गए। अभी आसाम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा जी, जिनके ऊपर बीजेपी वालों ने खुद 2010 में स्कैम के आरोप लगाए थे, वो आते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और अभी वर्तमान में आसाम के सीएम है। यही नहीं, बंगाल में शारदा चिट फंड जो केस था जिसमें मुकुल रॉय जो कि आजकल बीजेपी के बड़े खास नेता है, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी घुराया, ये बड़े बड़े नाम है जो कि शारदा चिटफंड केस में इनका नाम था, सीबीआई ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी लेकिन अब ये बीजेपी में
आ गए हैं तो सारे दाग धुल चुके हैं। ऐसे ही मैं तो कहना चाहूंगा सोनू भैया आपके पास परफेक्ट मौका है, आप भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन रूपी गंगा में डुबकी लगा लो और फिर आप देखना कैसे ये जो केसेस चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स की छापामारी ये सब बंद हो जाएगी। चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे बॉलीवुड हो, अगर हम इन दोनों को पॉलिटिक्स और बॉलीवुड को मिला दें तो एक शब्द बनता है पॉलीवुड, और पॉलीवुड के इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो मुकुल रॉय हो, हेमंत बिस्वा हो, या कृपा शंकर सिंह हो, या फिर मुकुल रॉय, जितने भी जो करप्ट नेता जिनके ऊपर ईडी की सीबीआई की इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी, जांचें चल रही थी, सडनली ये लोग बीजेपी में आ जाते हैं और इनके सारे दाग धुल जाते हैं। तो भाई साहब ये जो सोनू सूद का फ्रॉम मसीहा टू टैक्स चोर तक का जो सफर है इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि सोनू सूद अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो रातों रात उनके ऊपर लगे सारे आरोप जांच सब पहली फुर्सत में बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। क्या लगता है आपको कमेंट अवश्य करके बताइएगा, और अगर आपको बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।